अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर, लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़, और चाइनीज़ में आज हम बना रहे हैं ड्रैगन चिकन। और उसके साथ ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट करनी थी, तो उसके साथ हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। और एग फ्राइड राइस किस तरह बनेंगे वो आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ड्रैगन चिकन के ऊपर। ड्रैगन चिकन के लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है आधा किलो चिकन है ये, और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कटवा लिया था। ठीक है, ये आधा किलो बोनलेस चिकन को आपने स्ट्रिप्स में कटवा लेना है, और इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो साथ साथ मैं ऐड करती जाती हूँ और बताती भी चली जाती हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून मैदा है, ये इसमें चला जाएगा। 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर, ये इसमें चला जाएगा। ये तमाम चीज़ें चली गई, और साथ साथ इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, तो 1 लहसुन का क्लोव यानी 1 जवा ये मैं इसमें चॉप करके शामिल करूँगी। बिल्कुल फाइनली चॉप्ड आपने शामिल करना है, या आप फिर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर दें 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1 क्लोव गार्लिक का, 1 जवा लहसुन का, जिसको मैं बिल्कुल फाइनली जो है वो चॉप कर रही हूँ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये इसमें चला गया, और साथ साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है ये चिली पेस्ट जो मैंने अभी बनाया है, यहीं पे आके बनाया है। और इसको मैंने क्या किया था, इसकी रेसिपी बता देती हूँ, आप लोग लिख लें। इसमें मैंने लिया था 1 कप तेल। 1 कप तेल में आपने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है, तकरीबन 1 कप जितनी। ठीक है, 1 कप तेल में 1 कप कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 क्लोव्स यानी 2 से 3 जवे लहसुन के क्रश करके चॉप करके वो शामिल करने, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो आपने बिल्कुल फाइनली चॉप करके वो शामिल करना है, 1 टेबलस्पून भर के केचप शामिल किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया था, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था सिरका। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद ये इस तरह से चिली पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपने ऑयल डालना है फ्राइंग पैन में, उसको गरम करना है। जब वो गरम हो तो आपने उसमें चॉप्ड लहसुन और अदरक डालना है, लेकिन उसको आपने लाल नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कोई कलर नहीं देना है। जब वो हल्का सा सॉटे हो आपने फ़ौरन उसमें मिर्चें शामिल कर देनी है, कुटी हुई मिर्चें 1 कप, वो आप जब शामिल करेंगे तो मीडियम टू लो पे आपने करके शामिल करनी है, वरना आपने अगर एकदम खोलते हुए तेल में डाला तो वो जल जाएंगी सारी। स्लो फ्लेम पर डालनी है, चमचा चलाते रहना है, साथ साथ जब आप देखें कि मिर्चों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून भर के केचप शामिल करना है, और आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका, और फिर आपने चूल्हे पे से उतार लेना है। अब इसी चिली पेस्ट में से मैं 1 टेबलस्पून जो है वो इस चिकन में शामिल कर दूंगी, और ये जो आपका चिली पेस्ट है आप इसको किसी कंटेनर में भर के रख सकते हैं, तो आप जो है वक्तन फवक्तन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपीज़ में। 1 अंडा इसमें शामिल करूंगी, 1 अंडा हमने इसमें शामिल किया, और मैं इसको अच्छा सा करूंगी मिक्स। पहले आपने अंडे के साथ मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी,
तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ये आपने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और इसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पे इसको चिकन को मैंने मैरिनेट किया है किन किन चीज़ों के साथ बता देती हूँ। चिकन मैंने लिया था 1/2 किलो। साथ साथ पहले मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ ताकि जो जिसमें हमें फ्राई करनी है चिकन ये गरम होता रहे ऑयल, ठीक है। 1/2 किलो बोनलेस चिकन था, उसको आपने स्ट्रिप्स में कटवा लेना है यानी लंबाई में कटवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर यानी वाइट पेपर पाउडर, और इसके अलावा 1 अंडा और चिली पेस्ट जो मैंने यहाँ बनाया था उसका 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया। ये तमाम चीज़ें आपने शामिल करने के बाद अच्छा सा मिक्स करना है और 2 टेबलस्पून फिर आपने पानी शामिल करके इसको मज़ीद जो है वो अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है। तो ये इस तरह से ये टेक्सचर हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ जो मैंने चिली पेस्ट बनाया था अभी शो शुरू होने से पहले ही यहाँ आके मैंने बनाया था। 1 कप तेल लिया था। 1 कप तेल में आपने जब तेल गर्म हो तो आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है उसकी। उसमें मैंने 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बिल्कुल फाइनली चॉप करके वो शामिल किया। उसको कलर नहीं देना है, सिर्फ जब उसमें हल्की सी खुशबू आने लगे आपने उसमें 1 कप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। उसको आपने हल्के हल्के से कुक करना है। जब मिर्चों में से खुशबू आने लगे तो आपने उसमें 1 टेबलस्पून केचप शामिल करना है, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस। तमाम चीज़ों को मिक्स करके चूल्हा बंद कर देना और ये आपका जो ज़बरदस्त सा होम मेड चिली पेस्ट है ये तैयार हो जाएगा। और इसको आपने किसी भी कंटेनर में शीशे के भर के फ्रिज में रख देना है और ये आपके बड़े लंबा अरसा चलता है। डिफरेंट जब हम चीज़ें बना रहे होते हैं चाइनीज़ की या कोई भी हम रेसिपी जिसमें चिली पेस्ट का इस्तेमाल होता है, कोई थाई रेसिपी बन रही होती है या कोई इस तरह की, तो उसमें फिर ये बड़ी काम आती हैं ये वाली चीज़ें, क्योंकि मार्केट से जब आप लेने जाते हैं तो ये बड़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं चिली पेस्ट और इस तरह की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं चिकन को, और साथ साथ इसके साथ जो चीज़ हम सर्व करेंगे वो है एग फ्राइड राइस। और एग फ्राइड राइस अभी हम बनाएंगे और इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह है नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाएं उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो नंबर है लाइव कॉल का वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, साथ साथ कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह आपने जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो, जितनी जगह हो, उस हिसाब से आपने चिकन में शामिल करना है, फ्राई करना है। जब एक तरफ इसके जो है वो कलर आ जाए फिर आपने चिकन को टर्न कर देना, और बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि चिकन है, बोनलेस है, स्ट्रिप्स में कटी हुई है, वैसे ही वो फ़ौरन हो जाती है, तो इतना ज़्यादा इसको पकाने की फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको कुकिंग में देंगे उतना ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगी, वैसे जूसी नहीं रहेगी जैसे इसको होना चाहिए। एक प्लेट भी यहाँ पर मैं रख लेती हूँ ताकि इसमें हम अपनी जो फ्राई चिकन है वो भी निकाल के रख सकें। साथ साथ मेरे पास जो इसमें वेजिटेबल्स जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ साथ हमारे पास है लाल बेल पेपर, रेड बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च।
आप खाली हरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये सब्ज़ी वाले के पास रेड नज़र आई थी, तो ये बड़ी चाइनीज़ में खासकर रेड येलो इस तरह की शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने एक रेड ले ली थी और एक ग्रीन, तो ये दोनों मैं इस्तेमाल करूँगी। एक अदद प्याज इसमें जाएगी, लहसुन अदरक इसमें जाएगा, फाइनली चॉप, तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। बाकी जो हम इसमें सॉसेस इस्तेमाल करेंगे वो जब मैं बनाऊँगी साथ साथ तो आपको बताती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से जो आज हम बना रहे हैं ड्रैगन चिकन, ड्रैगन चिकन के लिए चिकन हम फ्राई कर रहे हैं जिसको हमने मैरिनेट किया था मसालों के साथ, जिसमें एक अंडा था, दो टेबलस्पून मैदा, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर था, वन टेबलस्पून चिली पेस्ट जो मैंने अभी बनाया था, और इसके अलावा हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक मैंने इसमें शामिल किया था। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है, एक अंडा डाल के और उसके बाद दो टेबलस्पून पानी डाल के अच्छा सा मिक्स करें और इस तरह से आप फ्राई कर सकते हैं। ये इस तरह से आपने निकालते जाना है जैसे फ्राई हो। और साथ साथ मैं चिकन ऐड भी करती जाऊंगी। इस तरह से। अच्छा, रेसिपी कार्ड में काजू भी लिखे हुए हैं, वो ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल नहीं डालें, ठीक है। कोई कोई डालता है, कोई नहीं डालता, तो इसलिए मैंने लिखे थे। और अगर आप, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इस वजह से मैं ये कह देती हूँ कि वो ज़रूरी, जो चीज़ ज़रूरी होती है वो मैं बता भी देती हूँ कि ये आपने लाजमी डालनी है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप ना डालें। सारी चिकन मैं इसमें शामिल कर दूंगी, थोड़ी सी रह गई है, ताकि एक साथ ये फ्राई हो जाए। उसके बाद हम आ जाएंगे राइस की तरफ, राइस बनेंगे उस वक्त तक हम फिर लास्ट में इसका सॉस बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ जो ग्रेवी है बहुत जल्दी बन जाती, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। ये चली गई है इसमें और ये फ्राई हो रहा है। साथ साथ जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च, इसको काट लेते हैं। अच्छा, चिकन स्ट्रिप्स में है तो आपने कैप्सिकम भी स्ट्रिप्स में काटना है, ठीक है। और अगर चिकन क्यूब में कटा हुआ है तो फिर आपने जो कैप्सिकम है या प्याज है वो आपने काटना है क्यूब में, इस तरह से आपने इसके काट लेने स्ट्रिप्स में। इसके अलावा आप मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा शो अपलोड हो जाता है और आप रात तक हमारा शो देख सकते हैं। यूट्यूब के भी ऊपर जो है मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उस पर लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शो मिस हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे आपको तमाम मेरे शोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसको शिमला मिर्च को मैं इसी तरह स्ट्रिप्स में काट लूँगी। तो शिमला मिर्च हो गई, साथ साथ थोड़ी सी जो है वो ग्रीन वाली शिमला मिर्च ये भी मैं काट लूँगी।
अच्छा, चाइनीज़ में सब्ज़ियों को आप बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, सौगी नहीं करते हैं। चाइनीज़ में सब्ज़ियाँ आपकी क्रंची रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो पका पका के उसका हशर ख़राब कर देते हैं कि उसके कलर्स भी ख़राब हो जाते हैं और वो सॉफ़्ट भी हो जाती हैं, तो ये आपने नहीं करना है। ये देखें, चिकन हमारी यहाँ फ्राई हो चुकी है और कढ़ाई, इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी, लेकिन इसका जो ऑयल है ये मैं कर दूंगी, निकाल दूंगी अलग से। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और पहले हम निकाल लेते हैं जिसमें हमें राइस बनाने हैं कढ़ाई, ताकि राइस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पकते रहें, कुक होते रहें, और उसके बाद हम आ जाएंगे ग्रेवी की तरफ, जो इसकी हमें बनानी है ग्रेवी। पहले मैं ये कैप्सिकम जो है वो काट लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया लाल और हरी शिमला मिर्च, इसको हम किसी चीज़ में निकाल लेते हैं प्लेट में। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास दो अदद अंडे हैं, इन अंडों को मैं तोड़ती हूँ। इन अंडों में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मैं फेंटूँगी। दो अंडे लिए मैंने। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप चावल थे जिनको मैंने उबाल लिया था। इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की है, कोई नमक शामिल नहीं किया है, कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की है, सिंपली उबाल लिए थे। और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अंडे मैंने फेंट लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद लहसुन के जवे और अदरक, ठीक है, इनको मैं बिल्कुल करूँगी चॉप्ड। फाइनली आपने इसको चॉप करना है। आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ में हमेशा जो है फ्रेश चॉप्ड लहसुन और अदरक अच्छा लगता है, जो हम ताज़ा जो है वो चॉप करके इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, ये चॉप्ड हो गया और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ फ्लेम ऑन करूँगी और इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप। 1/4 कप हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, जो ये चिली पेस्ट है इसका भी आप थोड़ा सा ऑयल शामिल कर सकते हैं, तो इसका एक बड़ा स्मोकी सा, बड़ा अच्छा सा जो है वो टेस्ट इसमें आ जाएगा राइस में। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें शामिल करेंगे ये जो चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक है ये, और थोड़ा सा ये सॉटे होगा, इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने अंडे फेंट के रखे हैं वो, और उसके बाद हम उसमें राइस शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, वाइट पेपर पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर शामिल करूँगी और इसको हम फिर जो है कवर करके रख देंगे और लास्ट में हम निकालेंगे इसे। अच्छा, एक चीज़ और, चाइनीज़ राइस कभी भी दम पे नहीं लगते हैं, ठीक है, हमेशा फ्राई होते हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का मकसद ही क्या है, फ्राइड राइस का मकसद ये है कि आपने उसको फ्राई करना है, ठीक है, तेज़ आंच पे।
तो वो फुल डन हुए हुए होते हैं। ये आपने इसमें चॉप डाल दिया जिंजर गार्लिक, और इसको थोड़ा सा आपने सॉटे करना है, लाल नहीं करना है। जैसे ही इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये इसमें चले जाएंगे। और फौरन आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो एग हैं वो कुक हो रहे हैं, साथ साथ मेरे पास जो यहाँ बॉइल्ड राइस हैं जिनको मैंने उबाल के रखा हुआ था, ये हैं, इसको मैं शामिल करूँगी इसमें। ये देखिए, ये चावल इसमें चले जाएंगे। चावल इसमें चले गए। अच्छा, अंडा डाल के भी आपने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना कि वो अंडा जो है वो बिल्कुल सुनहरा हो के ऑमलेट लगने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपने कलर देखे, मैंने जो एग का इसमें कलर है वो कितना वाइट की तरफ है, मतलब कलर बहुत अच्छा आया हुआ है इसका, तो आपने भी सेम इसी तरह रखना है। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर में भी जो है वो नमक होता है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो आपने वो देख के डालना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फ्राई किया। हाई फ्लेम पे अच्छा, यहाँ पे मैं जो बना रही थी एग फ्राइड राइस वो तैयार हो चुके हैं। आपने देखा हाई फ्लेम पे मैंने ये राइस तैयार किए हैं। राइस हमारे डन हो चुके हैं, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमें सिर्फ ड्रैगन चिकन की ग्रेवी बनानी है, लेकिन वो मैं बनाऊंगी ब्रेक से आने के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी ड्रैगन चिकन। और ड्रैगन चिकन यहाँ पे हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो चुके थे, उनको मैंने कवर किया हुआ है, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, और यहाँ पे आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, ठीक है। सॉस के लिए मैंने 2 जवे लहसुन के लिए हैं, और छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का है, इसको भी मैं उसी तरह ही चॉप करूँगी जिस तरह हमने राइस के लिए चॉप किया था, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको फाइनली चॉप करना है। अच्छा सा चॉप करने के बाद, अच्छा यहाँ मैंने जिस कढ़ाई में चिकन को फ्राई किया था वही कढ़ाई ली है, और वही तेल है, उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून तेल, 2 से 3 टेबल स्पून तेल इसमें डाला था कढ़ाई में। और फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें ये शामिल करूँगी लहसुन अदरक चॉप्ड, और जैसे ही ये सॉटे होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की तमाम चीज़ें, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, केचप है, सोया सॉस है, इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, वैसे इसमें वो वाली मिर्चें जाती हैं जो
अक्सर आपने देखा होगा कि सूखी हुई जो पतली वाली मिर्च मिलती है लाल रंग की, वो अक्सर आपको एम्प्रेस मार्केट में मिलेगी या फिर किसी बड़े परचून की दुकान पे मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं मिली थी तो मैं साबुत लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर के करीब कोई अच्छा ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे ये सूखी हुई पतली वाली जो एक तो तलहार मिर्च होती है वो वाली नहीं, बिल्कुल पतली वाली होती है सूखी हुई, ठीक है, वो आपने इसमें शामिल करनी है 3 अदद या 4 अदद काट के। मुझे नहीं मिली तो मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब ये जो चॉप्ड जिंजर गार्लिक है ये इसमें चला जाएगा, ये सॉटे करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि ये जले नहीं। साथ साथ कैप्सिकम, लाल और हरी, थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो लहसुन और अदरक है वो लाल ना हो बहुत ज़्यादा। ये चले गए, प्याज है मेरे पास, इसको मैं स्लाइस करके, ये भी आपने इसमें शामिल करना है। ये प्याज भी चली गई, फ्लेम तेज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा आपने इसको चलाना है। और उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस और सॉसेस शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपने स्पून के साथ जो है वो प्याज को इस तरह से अलग अलग कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इस तरह से ऑयल के साथ आपने इसको, अब इसमें मैं शामिल करूंगी जो सॉसेज हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसमें जाएंगी साबुत लाल मिर्च, चिकन पाउडर, इसके अलावा इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, सोया सॉस और 1/2 कप केचप। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, ये डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून शुगर, और ये अच्छा सा ग्रेवी जब आप उसकी तैयार हो जाए, अच्छा ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, ड्राई ड्राई होता है, फिर आपने इसमें शामिल करनी है सारी चिकन। तमाम चिकन शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, ये तमाम सॉस के साथ जो है वो चिकन मिक्स हो जाए इस तरह से। ये देखें सारा सॉस जो है वो चिकन पे कोट हो चुका है, सब्जियों का आप कलर देखें, कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और मैं थोड़ा सा नमक चेक करूँगी, नमक क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी शामिल किया है, नमक आपने इसमें देख के शामिल करना है।
ठीक है, ये यहाँ तैयार हो चुकी है। इसका मैं चूल्हा करती हूँ बंद और चीज़ों को करते हैं साइड पे और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। पहले सारी चीज़ें मैं साइड पे कर दूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। इसको मैं साइड पे करूँगी और उससे पहले मैं यहाँ पहले राइस निकालूँगी बोल में जो मुझे सर्विंग करनी है। जो हमने ये राइस तैयार किए थे ज़बरदस्त से, ये राइस भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, इसको निकालना है आपने। और इसको प्रेस कर दें इस तरह से। आपने प्रेस करना है स्पून के साथ। कोई भी आपके पास बोल हो घर में, होते हैं हर साइज के बोल, तो दरमियाना सा कोई सा भी प्याला, उसमें आप इस तरह करके इसको आपने साइड पे रखा और थोड़ा सा जगह को भी साफ करती हूँ मैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और फिर मुझे बताना है कि आपने बनाया, कैसी बनी, किस तरह बनी। इसके अलावा हमारा जो YouTube चैनल है मेट्रो वन न्यूज़ का, वो भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, शो मिस हो गया हो, तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। और इसको मैं कर रही हूँ अब डिश आउट। दूसरा स्पून लूंगी मैं। ये देखिए, ठीक है, ये ज़बरदस्त सी हमारी जो ड्रैगन चिकन है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। और प्लेटर आपने साफ करना है। इस तरह से। और यहाँ मेरे पास सफ़ेद तिल हैं जो मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी। इस तरह से, ठीक है। और हमारे ये जो राइस हैं ये भी यहाँ ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं और ये हमारी रेसिपी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी मैंने 2 से 3 बार जो है वो रीकैप की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक दफ़ा मैं और रेसिपी को रीकैप कर देती हूँ। आपने देखा इस क्वांटिटी में कितनी सारी हमारी जो है वो डिश बन गई है। इसमें 4 लोग आराम से खा सकते हैं, तो आप लोगों ने भी इसे ज़रूर बनाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके ऊपर और रखूँगी जो मैं फ्रिज से निकालती हूँ। कोई भी आपके पास ग्रीन कोई हरी प्याज हो, कुछ भी हो, तो वो इसके ऊपर आप राइस के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेसिपी दोबारा से मैं एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। जो आज मैंने बनाई है ड्रैगन चिकन, और ड्रैगन चिकन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिया था 1/2 किलो बोनलेस चिकन,
स्ट्रिप्स में कटी हुई, लंबाई में कटी हुई, उसको हमने जो जिस चीज़ से मैरिनेट किया था वो था 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 अंडा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के साथ आपने चिकन को अच्छा सा मैरिनेट करना है। फिर 2 टेबल स्पून मज़ीद पानी डाल के आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है और फ्राई कर लेना है। जब फ्राई करने तो उसको साइड पे रख दें। जो उसकी सॉस बनाई थी उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें 2 जवे लहसुन और छोटा सा टुकड़ा अदरक कट फाइनली चॉप्ड करके वो शामिल किया। साबुत लाल मिर्चें गोल वाली थी मेरे पास, 3 से 4 आपने वो शामिल करनी है। ओरिजिनल रेसिपी में पतली जो सूखी मिर्च होती है छोटी वाली वो जाती है, ठीक है, मुझे मिली नहीं थी तो मैंने साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दी, वो शामिल की। शिमला मिर्च आपने शामिल करनी है, लाल, हरी, पीली, जो आपका दिल चाहे, ठीक है। 1 अदद प्याज थी, उसको भी लंबाई में काट लिया था, वो हमने शामिल की इसमें। जब सब्जियों को आपने सॉटे किया, लहसुन अदरक को आपने काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्की सी जब खुशबू आए तमाम चीज़ें आपने जो मैं बता रही हूँ उस तरह से डालनी है, सॉटे किया। उसके बाद आपने उसमें 1/2 कप केचप शामिल करना है। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के सोया सॉस, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके चिकन पाउडर शामिल करना है, चुटकी भर नमक शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करना है और आखिर में आपने चिकन शामिल करके अच्छा सा उसको सॉस के साथ जो है वो कोट कर देना है और इस तरह से निकाल के डिश आउट करें। साथ साथ आप इसके साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस बना सकते हैं, एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप बना सकते हैं। मैंने एग फ्राइड राइस बनाए थे जिसके लिए मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, लहसुन अदरक को मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक चॉप्ड करके वो शामिल किया ऑयल में। जब वो हल्का सा सॉटे हुआ उसको भी आपने ब्राउन नहीं करना है, जब हल्की सी खुशबू आए तो आपने उसमें 2 अदद अंडे फिटे हुए जिसमें मैंने चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च शामिल करके फेंट लिया था, वो अंडे शामिल करने हैं, उसको मिक्स करना है। चावल डालें, चावल के बाद नमक डालना है, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके और अच्छा सा मिक्स करें। तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है चावलों को, चावल आपके फुल डन हुए हुए होने चाहिए, पक्के हुए होने चाहिए और उसके बाद आपने इसको निकाल के इस तरह से राइस के साथ सर्व करें तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आई होगी। साथ साथ फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और मज़ीद जो नई एक्टिविटीज़ आने वाली होंगी उसकी भी पोस्ट मैं अपलोड कर देती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है और उसका नाम भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम पे यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने जो है वो शेयर करना है, लाइक करना, ताकि उसमें बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं जो ऐसी वीडियोज़ हैं कुकिंग की जो मैंने अभी तक किसी शो पे नहीं बनाई है तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, वहाँ पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट रहने के, बाज़ दफ़ा कॉल नहीं मिलती शो पे, लाइन बिजी जा रही होती है तो आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेसिपी बनाई हो सही ना बनी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो उसके बारे में पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो जो दिल चाहे आपका पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो जो रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई हैं बहुत मज़े की आपने बनाई होंगी और अच्छी बनी होंगी, आप लोगों की कॉल्स भी आती हैं, आप लोग बताते भी हैं तो बहुत खुशी होती है। इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।